सो गाइस, ये है हल्द्वानी बस स्टेशन, जहाँ से मैं लूँगा रोडवेज की बस सीधे हल्द्वानी से आनंद विहार दिल्ली के लिए। गाइस, बस टिकट ले लिया मैंने, आप देख सकते हैं यह सिर्फ और सिर्फ 450 रुपए का, देख सकते हैं। सो गाइस, 4 घंटे के सफर के बाद हम पहुंच चुके हैं हापुड़ में, और यहाँ पर बस रुकी है चाय पानी के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो आज मैं निकल रहा हूँ घर से दिल्ली के लिए। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:30, और कुछ मेरे गांव का व्यू देख सकते हैं सुंदर सा। ये देखो, पहाड़ की हसीन वादियों के बीच बसा है मेरा गांव। और गाइस, यहां से मुझे टाइम लगेगा हल्द्वानी पहुंचने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा, और वहां से लूँगा मैं बस उत्तराखंड परिवहन की। सो आपके साथ पूरा स्टेप बाई स्टेप आज मैं शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप हल्द्वानी से डेली सफ़र कर सकते हैं। तो बने रहेगा इस ब्लॉग पे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दिल से सब्सक्राइब कर लो, और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लेना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। गाइस, मौसम की बात करें तो देख सकते हैं आसमान में आज बादल, घने बादल। ये देख लो, ऐसा लग रहा है कि बारिश आ ही जाएगी। ये कुछ मेरे गांव का सुंदर सा व्यू ये देख सकते हैं, यहाँ से नहीं देखिएगा भी, इसके पल्ली तरफ हमारा गाँव है, और वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमारा गाँव है। और वहाँ पर आप देख रहे हैं वो है हल्द्वानी गोलापार, देख सकते हैं थोड़ा धुंध धुंध जैसी अभी दिख रही है। सो हेलो गाइस, सो देखिए ये मेरा भतीजा आ रहा है पहुंचाने, ऊपर तक रोड तक पहुंचाने आ रहा है सामान वगैरह थोड़ा। आप देख सकते हैं आवाज़ में भी चेंज हो रहा है, क्योंकि सर्दी जुकाम ठीक नहीं हो रहा बहुत दिनों से। सो देख सकते हैं आप आवाज़ में परिवर्तन है कुछ। सो गाइस, इस वीडियो में कैमरा क्वालिटी कैसी है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि सो आप फिलहाल देख सकते हैं मेरे गांव का कुछ सुंदर सा व्यू। ये देख लो, मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में इतना सुंदर सा व्यू देखने को मिलता है पहाड़ की, ये हरी भरी वादियाँ। ये देखो, सो गाइस पहाड़ में देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार के यहाँ पे रास्ते होते हैं, सड़कें होती हैं। देखिए पूरे पत्थरों की बनी होती है, एक के बाद एक पत्थर से मिलाया जाता है। देखो जहाँ से गाड़ी मुझे मिलेगी वो ऊपर है, ऊपर टॉप पे, तो वहाँ पहुँचने के लिए कम से कम मुझे अभी 5 से 7 मिनट लगने वाले हैं। और देख सकते हैं ये मेरा गांव, प्यारा सा गांव, देख सकते हैं पहाड़ की हसीन वादियों के बीच में बसा है। ये देखो, फाइनली पहुंचने वाला हूं मैं रोड पे, देख सकते हैं यहां पे सड़क। तो दूसरा भी चले गया। सो गाइस, फाइनली गाड़ी आ गई है, तो अब यहाँ से गाड़ी लेंगे सीधे हम हल्द्वानी के लिए पहले, और वहाँ से बस लूँगा सीधे हल्द्वानी टू दिल्ली के लिए। तो चलिए गाड़ी ले लेते हैं और मिलते हैं आपको वीडियो में आगे। दोस्तों, मुझे यहाँ से टाइम लगेगा हल्द्वानी पहुँचने में कम से कम 1 से 2 घंटे। आप तब तक वीडियो में बने रहिए और लुत्फ़ उठाइए इन सुंदर से पहाड़ों का।
सो गाइस हम पहुंच चुके हैं कैलाश द्वार, आप देख सकते हैं यहां से दिखता है कैलाश पर्वत। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, और यहां पे दर्शन होते हैं भोले बाबा के। ये देख लो कितना सुंदर सा ये व्यू, कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों 2 घंटे सफ़र करने के बाद मैं पहुंच गया हूं हल्द्वानी बस स्टेशन पर। आप देख सकते हैं ये देखिए मेरे पीछे ही बस स्टेशन है हल्द्वानी, जहां पर आपको एक के बाद एक बसें यहां पर मिलती रहती है। गाइस यहां पहुंचने के बाद आपको बस ले लेनी होती है दिल्ली वाली, और बस की टिकट आपको बस के अंदर ही मिलेगी। यहाँ पर आपको एक के बाद एक बसें यहाँ पर मिलती रहती हैं, आपको बस देखना होता है कि कौन सी जगह आपको जाना है। और आप देख सकते हैं इस समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, दिवाली के 2-3 दिन के बाद काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है। दोस्तों मुझे बस में सीट मिल गई है, तो चलिए आज का सफ़र करते हैं शुरू सीधे हल्द्वानी से दिल्ली के लिए। दोस्तों यहाँ से दिल्ली अप्रोक्स 280 किलोमीटर है, तो टाइम लगेगा लगभग 6 से 7 घंटे लगने वाले हैं यहाँ से। गाइज ये है तिकोनिया चौराहा, देख सकते हैं आप, जो कि हल्द्वानी के सेंटर में स्थित है, और यहाँ से मुड़ते हुए बस जा रही है अब सीधे दिल्ली की तरफ। गाइस सफ़र के बीच में बस परिचालक आपकी टिकट काट के देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके यहाँ पे बस की टिकट है, और मुझे भी मिल गई। देखो यह है सिर्फ और सिर्फ 450 रुपये की टिकट है हल्द्वानी से दिल्ली के लिए। सबसे सस्ता जरिया यही है, आप रोडवेज की बस में सफ़र करें सिर्फ और सिर्फ 450 रुपये में। आप यहाँ से देख सकते हैं यह है कालू साई मंदिर हल्द्वानी में। दोस्तों चलते चलते हम पहुंच गए हैं रुद्रपुर, ये देख सकते हैं ये रुद्रपुर की मार्केट। ये हापुड़ में अभी बस रुकी है चाय पानी और खाने के लिए, शाम के 4 बज रहे हैं, देखिए सनसेट होने वाला है। तो 6 घंटे के सफ़र के बाद पहुंच गया हूं दिल्ली आनंद विहार, देख सकते हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।